बिहार बोर्ड इंटर में नामांकन के लिए जो छात्र अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे किसी भी कारणवश, तो वैसे छात्र छात्राओं के लिए गुड न्यूज यहां पे बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। ऑफिशियल नोटिस दे दिया है जिसमें जो छात्र छूट गए हैं या फिर जो नहीं कर पाए हैं, वैसे छात्र अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट कैसे आपको डाउनलोड करना है, हम इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो के अंत में। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिए। अपनी तैयारी के लिए आपके लिए नंबर वन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं किसी भी गूगल पर या फिर किसी भी साइट पर जाकर के आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं माधव NCERT क्लासेस या madhavnc.com। जब इस बात को आप सर्च कर लेते हैं तो आपको नीचे आना है लेटेस्ट अपडेट में, तो यहां से आपको मिल जाएगा BSBOFSS इंटर एडमिशन 2022-24 सत्र के लिए जो डेट बढ़ गया है 27 जुलाई तक, उसकी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। साथ ही स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी यहां पे मिलेगा कि कैसे ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आना है और इसे देखने के बाद आपको बता दें कि CBSE 10th वाले छात्रों का रिजल्ट आया जिसके कारण इस डेट को फिर से बढ़ाया गया है। ये डेट मात्र 5 दिन के लिए बढ़ाया गया है, यानी 27 जुलाई तक आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए शुल्क आपका पहले की तरह ही ₹350 देना होगा। इसमें कास्ट वाइज यानी जाति अनुसार कुछ छूट भी मिलेगा, तो वो अब निर्भर करता है कास्ट या जाति पे। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन के लिए जो कागजात महत्वपूर्ण है, 10th पास मार्कशीट आपको लगेगा, फोटो, हस्ताक्षर, पूरा पता और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके खुद का होना चाहिए, चालू होना चाहिए, आपका ईमेल होना चाहिए जो खुद का होना चाहिए, दोनों आपका कंपलसरी है जो आपका खुद का होना चाहिए। नोट में आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से केवल एक फॉर्म ही आपको भरा जा सकता है, इस चीज़ को आप निश्चित रूप से ध्यान से देख लें। ये आपको नोट्स में यहाँ पे समझाया जा चुका है ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। अब हम बात करते हैं आगे, आपको मेरिट लिस्ट के बारे में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है ऑनलाइन, तो यहाँ से देख सकते हैं, अपने मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। गलती क्या करते हैं विद्यार्थी, तो इसके लिए आपको बचना है। गलती आपको ये नहीं करना है, कट ऑफ जो लिस्ट होता है, कट ऑफ मार्क्स या फिर प्रोस्पेक्टर जो होता है, कॉमन प्रोस्पेक्टर, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जा चुका है, जिसको डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ये आपको आवेदन करने के फॉर्म है जिस पर क्लिक करके हर जानकारी को देख सकते हैं कहाँ पे क्या भराएगा, उसके बाद आप चाहे तो अपने फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है या अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जाना है। ये आप देख रहे हैं इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन लिंक दिया जा चुका, ऑफिशियल लिंक है बिहार बोर्ड का और यहाँ पे नोटिफिकेशन है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन। कॉलेज लिस्ट है यहाँ पे कि आपको किस कॉलेज में मिलेगा, इसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म कैसे करना है लिंक यहाँ पे दिया जा चुका है। मेरिट लिस्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, इसी पे आना है, सबसे ऊपर चलना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, हम सीधी से अभी बताएंगे आपको, यहाँ वाले पे आपको सर्च कर देना है। जब आप इस साइट को ओपन करेंगे तो कहीं पे भी आपको कुछ ऐसा वाले ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस तरह के ऑप्शन आपको जहां पर भी देखने को मिलेगा उस वाले पे आपको क्या करें, सिंपली क्लिक करना होगा, यानी सर्च वाला होगा, तो सर्च पे आपको क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक कर यहां पे आप सर्च कर सकते हैं कि BSBE मेरिट लिस्ट, BSBE आप जैसे ही यहाँ पर देंगे मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट हम देखिए अभी डाउनलोड करके बताने का प्रयास करेंगे आपको, यहाँ पर मेरिट लिस्ट देखिए, जब हम इतना सर्च करते हैं या फिर आप बिहार बोर्ड मेरिट लिस्ट आप दे सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, देने के बाद अब आपके सामने नीचे कुछ ऐसा आ गया है मेरिट इंटर एडमिशन शुरू मेरिट लिस्ट आ गया, तो आप इस वाले पे क्लिक करके आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके या फिर देख सकते हैं नीचे लिंक भी दिया जा चुका है, तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में देखने के बाद आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर एक अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।